आज हम बारबेक्यू नेशन स्टाइल काजून पोटेटोज बनाएंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। जब आप यहाँ गेस्ट आएँ तब आप इसे बना सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सैफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम देखते हैं कि काजून पोटेटोज कैसे बनाते हैं। काजून पोटेटोज बनाने के लिए ये मैंने बेबी पोटेटोज लिए हैं, ये लगभग आधा किलो हैं। अब हम इनको बॉईल करेंगे। एक प्रेशर कुकर लेंगे, प्रेशर कुकर में हम आलू को डाल देंगे। आलू को मैंने धो लिया था अच्छे से। अब हम आलू को भीगने तक पानी डालेंगे। आलू को अब हम गैस पे बॉईल करेंगे। अब हम पोटेटोज को हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक बॉईल करेंगे। जब तक हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं, जब तक हम आलूओं की कोटिंग के लिए बैटर तैयार करेंगे, हम 4 चम्मच मैदा लेंगे, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, 1/2 चम्मच हम नमक लेंगे, 1/4 चम्मच हम चिली फ्लेक्स लेंगे। आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। और 1/4 चम्मच हम मिक्स्ड हर्ब लेंगे, आप इसकी जगह ऑर्गेनो भी ले सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पतला बैटर तैयार करेंगे। हमें बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा, जिससे आसानी से आलू के ऊपर हमारी कोटिंग हो जाए। आलू का प्रेशर ठंडा हो गया है, अब हम इनको निकाल लेंगे। आलू का जो एक्स्ट्रा पानी है इसको हम निकाल कर अलग कर लेंगे। आलू हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम हथेली की सहायता से आलूओं को थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, हल्का सा करेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारे आलू कर लेंगे तैयार। सभी आलूओं को प्रेस कर लिया है, अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। हम आलूओं को शैलो फ्राई करने के लिए एक पैन में रिफाइंड ऑयल लेंगे। रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम आलूओं को उसी बैटर में से कोटिंग करके डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। अब हम आलूओं को पलट लेंगे और आलूओं को हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। आलू हमारे सैलो फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको एक नैपकिन पे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे आलूओं को सैलो फ्राई कर लेंगे। अभी आलूओं को गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई कर लिया है। 1/2 कप एगलेस मायोनीज लेंगे, इसमें हम 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच मिक्स्ड हर्ब डालेंगे, आप इसकी जगह ऑर्गेनो भी यूज कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हम जिंजर पाउडर डालेंगे, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। यदि आप लहसुन और प्याज खाते हो तो इसका भी पाउडर डाल सकते हैं, वो भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और 1/4 चम्मच हम नमक डालेंगे, नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि मेयोनीज में भी नमक होता है। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मेयोनीज अभी हमें थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम 1/4 कप दूध डाल देंगे। मेयोनीज हमारी तैयार है, अब हम काजून पोटेटोज को सर्व करेंगे। अब हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे, इसमें हम फ्राई करे हुए आलूओं को लगाएंगे। अब हम इनके ऊपर मेयोनीज डालेंगे। थोड़े से हम हरे धनिया की पत्ती से गार्निश करेंगे। अब हमारे काजून पोटेटो सर्व करने के लिए एकदम तैयार है।
काजून पोटेटोज को आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बनाकर सर्व कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।